Good evening, Pawan. Am I audible? Okay. Uh... So we can see that most of the members have already joined. So uh, we will start this webinar session for today. The topic uh, that we are covering today is the cess on MRP for the tobacco product. And uh, <clears throat> we all know that from first April 2023 onwards the rate has been revised and a 60% rate of sex was levied on pan masala product but from the 1st april uh, there are some changes uh, in the calculation also and uh, the way we are going to implement that is also changed now and because this tax is now levied on the retail sales price so we will see that in busy uh, how we are going to uh, cover this requirement. What are the steps uh, uh, that we need to do for configuration? And uh, in the various master, also we have to define the field. And Pawan uh, is going to take the session for today, and uh, he will explain you first of all with the help of the uh, PPT. Then later on, he will show implementation in Visi. And uh,

तो आइए देखते हैं कि बिजी में आप इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कम्बनसेशन ऑफ स्टेट एक्ट इस सेस इज एप्लीकेबल टू टबाकू प्रोडक्ट इफेक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द रेट ऑफ सेस एप्लीकेबल टू टबाकू प्रोडक्ट

जो आपकी सेस रेट की वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी एमआरपी के ऊपर प्रोडक्ट की तो जो मेन यूनिट होगी प्रोडक्ट की उसकी एमआरपी पे सेस का वैल्यू कैलकुलेट होगा एग्जांपल के लिए समझते हैं तो बिफोर फर्स्ट अप्रैल 2023 60 थ्री परसेंट रेट ऑफ सेस अप्लाई होता था पान मसाला प्रोडक्ट्स पर बट करंट मंथ से फर्स्ट अप्रैल टू से जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सेस जो हमारा एप्लीकेबल होगा वो है पॉइंट थ्री टू आर पर यूनिट तो इसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे इसको हम आगे भी समझेंगे और आर यहां पर स्टैंड फॉर है रिटेल सेल प्राइस मतलब कि एम आर पी ऑफ दोडक्ट मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है आइटम का उस पर आपकी सेस की एप्लीकेबिलिटी होगी तो आइए देखते हैं तो ओवरव्यू के लिए समझते हैं सबसे पहले कि एग्जांपल तो कैलकुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन सेस ऑन पान मसाला किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप सेस की वैल्यू तो एज पर द करंट नोटिफिकेशन जो सेस का रेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है वो है जीरो पॉइंट थ्री टू आर पर यूनिट सपोज एक आइटम है कोई पान मसाला का उसका रिटेल प्राइस टेन रुपीज है तो उसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे यहां पर आर मैंने आपको बताया था और रिटेल सेल प्राइस मतलब एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट एमआरपी यहां पर है रुपीज टेन तो सेस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम्पनसेशन सेबल तो पॉइंट थ्री टू आर मतलब टेन रुपीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा थ्री टू परसेंटेज है पॉइंट थ्री टू तो जो आपकी पर यूनिट की सेस की वैल्यू आएगी वो आएगी थ्री पॉइंट ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट इम्प्लीमेंटेशन बिजी तो बिजी में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइए समझते हैं तो स्टेप वन में सबसे पहले आपको एडिशनल सेस को इनेबल करना होगा जीएसटी वैट कन्फिग्रेशन विंडो में जाकर सेकेंड स्टेप में आपको टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने होंगे विथ एडिशनल सेस रेट तो जैसे कि अगर आपके एक आइटम पे 28 परसेंट टैक्स है किसी पे 12 परसेंट है 18 परसेंट है और इसके साथ साथ अगर अलग अलग सेस रेट भी अप्लाई होते हैं तो आपको उन सब के लिए टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने हैं मास्टर्स में जाकर स्टेप थ्री में आपको आइटम्स की मेन यूनिट और पैकेजिंग यूनिट के साथ आइटम को क्रिएट करना होगा तो देखिए सपोज पान मसाला प्रोडक्ट पे आपके मल्टीपल यूनिट्स हैं तो लार्जेस्ट यूनिट को आपको पैकेजिंग यूनिट में और स्मॉलेस्ट यूनिट को आपको मेन यूनिट में डिफाइन करना होगा जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी स्मोलेस्ट यूनिट होगी उसी का एम आपको डिफाइन करना होगा आइटम मास्टर के अंदर ताकि आप सेस की वैल्यू को एक्जेक्टली exactly कैलकुलेट कर सके स्टेप फोर में आपको सेल परचेस टाइप है उसको कन्फिगर करना होगा स्टेप्स हम आगे भी देखेंगे डेमो में स्टेप फाइव में आपको एडिशनल सेस ऑन एम के लिए बिल सेंड्री क्रिएट करनी होगी उसके अकाउंटिंग इफेक्ट डिफाइन करने होंगे कैलकुलेशन का जो परसेंटेज है वैल्यूज है वो आपको कन्फिगर करनी होगी ये हम आगे भी देखेंगे और आफ्टर दिस कन्फिग्रेशन आप ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन क्रिएट करते टाइम आपको करेक्ट फील्ड को सिलेक्ट करना है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्टली प्रॉपरली कैलकुलेट हो देखिए सबसे पहले स्टेप वन में आपको क्या करना है तो एडिशनल सेस आपको जीएसटी कन्फिग्रेशन विंडो में जाकर इनेबल करना है सबसे पहले आपको सेस इनेबल करना होगा जैसे ही आप सेस इनेबल करेंगे एडिशनल सेस का ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा इसको आप इनेबल कर देंगे सेकेंड स्टेप में आपको टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने हैं तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने टैक्स कैटेगरी क्रिएट की हुई है वो की है जीएसटी ट्वेंटी एट परसेंट प्लस थर्टी टू परसेंट थर्टी टू परसेंट यहां पर क्या है एडिशनल सेस तो यहाँ पर जो रेट्स डिफाइन है आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्वेंटी एट परसेंट मैंने आई जी एस टी सी जी एस टी एस जी एस टी फोर्टीन फोर्टीन परसेंट यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है इसके अलावा जो आपका सेस रेट है यहाँ पर आपको जीरो डिफाइन करना है और एडिशनल सेस के अंदर आप सेस की परसेंटेज बताएंगे तो पॉइंट थ्री टू आर का एग्जाम्पल हमने लिया था इसलिए हमने यहाँ पर थर्टी टू परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में आप जो आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपकी सिंगल यूनिट है तो आप सिंगल यूनिट के साथ मेन यूनिट में डिफाइन करके आइटम को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल यूनिट हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट को आपको मेन यूनिट में डिफाइन करना है और जो आपकी लार्जेस्ट यूनिट है उसको आपको एस पैकेजिंग यूनिट डिफाइन करना है टैक्स कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि इस आइटम पर कितना आपको टैक्स अप्लाई करना है और सेस कितना एप्लीकेबल है और एच कोड और एम ये इन्फॉर्मेशन आप फिल करके आइटम को क्रिएट करेंगे ध्यान रखिएगा एम आपको जरूर डिफाइन करनी है ताकि आपकी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो सके प्रॉपरली अगर आप एम की वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आपकी सेर्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी सेल परचेस टाइप आपको नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट करनी है तो देखिए अगर आपका सिंगल टैक्स रेट के आइटम है एक ट्रांजैक्शन में अगर आपके सिंगल टैक्स रेट के आइटम है तो आप जो रेट वाली सेल टाइप होती है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं बट अगर आपके मल्टीपल टैक्स रेट्स के आइटम हैं तो आपको मल्टी रेट की सेल परचेज करनी होगी सेल टाइप सेल वाउचर में परचेज टाइप परचेस वाउचर में यहां पर आपको अप्लाई कंसोल्टेड टैक्स अमाउंट फॉर ऑल टैक्स रेट इस ऑप्शन को आपको डिजेबल रखना है अगर आप ईवे बिल क्रिएट करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन का तो आपको सेल टाइप के अंदर अप्लाई कंसोल्टेड टैक्स अमाउंट फॉर ऑल सेल ऑल टैक्स रेट इस ऑप्शन को आपको डिजेबल रखना है और अपनी सेल टाइप क्रिएट करनी है या फिर आपको मॉडिफिकेशन कर देनी है इसके बाद आप एक बिल सेंडरी क्रिएट करेंगे तो बिल सेंडरी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं एडिशनल सेशन एम की मैंने बिल सेंडरी यहाँ पर शो की है स्क्रीन पे बिल सेंडरी का नेचर आप डिफाइन करेंगे एडिशनल सेशन जीएसटी और अकाउंटिंग इफेक्ट के लिए आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे आउटपुट और इनपुट के लिए आउटपुट आप सेल्स में डिफाइन करेंगे और इनपुट आप परचेज में डिफाइन करेंगे इसके बाद अमाउंट ऑफ बिल्सनड्री टू बी फीड एज में आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टोटल एम आर पी ऑफ आइटम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज आपका जो सेस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके आइटम की एम आर पी पर तो आप यहाँ पर ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे टोटल एम आर पी ऑफ आइटम और लास्ट में एक ऑप्शन है स्किप स्कीप बिल्सनड्री बेसिस इन प्रिंटिंग तो अगर आप परसेंटेज को स्किप करना चाहते हैं इन प्रिंटिंग में इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं स्किप बिल बिलसेंड्री बेसिस इन प्रिंटिंग इसके बाद आप अपनी बिलसेंड्री को सेव कर देंगे और ये ट्रांजेक्शन अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगी अकाउंटिंग इफेक्ट के लिए आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो देखिए सेल वाउचर के लिए आप अकाउंट क्रिएट करेंगे ग्रुप uh, आपको सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस और टैक्स टाइप में आपको सिलेक्ट करना है एडिशनल जीएसटी सेम एज इट इज आपको परचेज वाउचर के लिए भी यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना होगा बट सेल टाइप के लिए सेल uh, वाउचर के लिए जो आप क्रिएट करेंगे उसमें आप आइटम अकाउंट uh, का जो नाम है उसको एडिशनल ऑन जीएसटी आउटपुट और परचेज वाउचर के लिए आप इनपुट स्पेसिफाई करेंगे ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हैं तो इन केस ऑफ सिंगल टैक्स रेट ऑन आइटम्स आप यहां पर सेल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं टैक्स टाइप वाली यहां देख सकते हैं आप स्क्रीन पर और नीचे F4 की प्रेस करेंगे आइटम सिलेक्ट करने के बाद तो आपकी जो बिल बिल्सनड्रीज है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी वैल्यू भी आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी और अगर आपका ट्रांजेक्शन में मल्टी टैक्स रेट के आइटम्स हैं तो आपको यहाँ पर मल्टी रेट की सेल टाइप सिलेक्ट करनी है लोकल या सेंट्रल एज पर द कंडीशन और आइटम्स को सिलेक्ट करने के बाद उनकी क्वांटिटी प्राइस आप बताएंगे और लास्ट में आप F4 फोर की प्रेस करेंगे तो जितनी भी आपकी बिल सेंड्रीज हैं चाहे आपकी आई हो सी जी एस हो एफ हो और आपकी एडिशनल सेस ऑन एम जितनी भी आपकी बिल सेंड्रीज हैं वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी और उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए आइए देखते हैं बिजी में आप किस तरीके से कर पाएंगे प्रैक्टिकल डेमो में आपको शो करता हूं तो ये मेरी कंपनी है सबसे पहले स्टेप वन में मैंने क्या बताया था आपको तो सबसे पहले आपको इनेबल करना है एडिशनल सेस ऑन एम तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर ऑप्शंस और यहाँ पर जीएसटी वैट जीएसटी वैट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जाएंगे और यहां पर इनेबल सेस सबसे पहले इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे इनेबल सेस और इसके बाद एडिशनल सेस इन दोनों ऑप्शंस को आपको इनेबल करना है जीएसटी वेट कन्फिग्रेशन में जाकर यह है स्टेप वन जो आपको फॉलो करना है इसके बाद आप टैक्स कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो मास्टर के अंदर आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ पर टैक्स कैटेगरी अपनी क्रिएट करेंगे तो देखिए जैसे कि अगर मेरे टैक्स आइटम पर अप्लाई होता है ट्वेंटी एट परसेंट इसके साथ मुझे एडिशनल सेस का जो रेट है ये भी यहाँ पर ऐड करना है तो जो टैक्स कैटेगरी का नेम है आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहां पर टैक्स कैटेगरी का नेम डिफाइन किया हुआ है ट्वेंटी एट परसेंट प्लस थर्टी टू परसेंट मतलब ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी प्लस थर्टी टू परसेंट एडिशनल यहां पर रेट आप डिफाइन कर देंगे देखिए ट्वेंटी एट परसेंट और फोर्टीन परसेंट मैंने यहां पर सीजीएससी एस जी एस टी में और आई जी एस टी में ट्वेंटी एट परसेंट रेट डिफाइन कर दिया है जो जीएसटी का रेट है इसके अलावा सेस रेट के अंदर आपको जीरो डिफाइन करना है और एडिशनल सेस रेट में आप जो सेस का रेट है तो आर का हमने एग्जांपल लिया था तो हमें यहाँ पर रेट डिफाइन करना है 32% सेव कर देंगे टैक्स कैटेगरी को इसके बाद आप आइटम क्रिएट करेंगे तो मेरा एक आइटम है जैसे कि विमल पम मसाला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सबसे आप आइटम डिफाइन करेंगे आइटम का नाम और दो यूनिट मैंने डिफाइन की हुई है एक मेन यूनिट और एक पैकेजिंग यूनिट देखिए अगर आपकी एक ही यूनिट है तो आप मेन यूनिट को मेंटेन कर सकते हैं बट अगर आपकी मल्टीपल यूनिट है तो आपको लार्जेस्ट यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है उसको पैकेजिंग यूनिट में डिफाइन करना है और आपकी जो मेन यूनिट जो स्मॉल यूनिट है उसको आपको मेन यूनिट में डिफाइन करना है जिसका आपको एमआरपी भी मेंटेन करना है क्योंकि सेस की जो वैल्यू है वो आपकी एमआरपी पे कैलकुलेट होगी तो यहाँ पर मैंने जो मेन यूनिट है वो एज सिलेक्ट की है और जो मेरी पैकेजिंग यूनिट है यहाँ पर नंबर सिलेक्ट की है कन्वर्जन फैक्टर आप देख सकते हैं तो एक नंबर में मेरे पास सिक्सटी सिक्स हंड्रेड जो है कन्वर्जन फैक्टर है इसके बाद एम आपको जरूर डिफाइन करनी है ये एक मैंडेटरी है और एम आप डिफाइन करेंगे जब भी आपकी सेस की वैल्यू कैलकुलेट होगी ट्रांजेक्शन में

फिफ्टी सिक्स परसेंट मतलब कि जो जीएसटी का रेट है वो ट्वेल्व परसेंट है और फिफ्टी सिक्स परसेंट जो है, वो मेरा है इसको मैं आपको दिखाता टैक्स कैटेगरी मास्टर को भी यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जीएसटी का रेट है वो एट ट्वेल्व परसेंट और फिफ्टी सिक्स परसेंट जो है वो एडिशनल सेस का रेट है जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ है यहां पर अब अगर मेरा कोई आइटम है उस पर टैक्स रेट अप्लाई होता है ट्वेल्व परसेंट प्लस फिफ्टी सिक्स परसेंट एडिशनल तो मैं यहाँ पर टैक्स कैटेगरी डिफाइन कर सकता हूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ इसके अलावा एम जरूर मुझे स्पेसिफाई करनी है ये मैंडेटरी है और एम आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे इसके बाद जो पैकेजिंग यूनिट आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कन्वर्जन फैक्टर रेट ये सारी डिटेल्स आप स्पेसिफाई करके अपने मास्टर को क्रिएट कर लेंगे तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था इसके बाद मुझे बिल सेंड्री क्रिएट करनी है एडिशनल सेस के लिए मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बिल सेंड्री का मास्टर यहां पर एडिशनल जीएसटी ये आप एक बिल सेंड्री क्रिएट करेंगे और बिल सेंड्री नेचर में आपको यहां पर सिलेक्ट करना है एडिशनल सेस ऑन जीएसटी ताकि आपकी जो सेस की वैल्यू है वो प्रॉपरली कैलकुलेट हो और ठीक से रिपोर्ट में जाए अकाउंटिंग इफेक्ट के लिए आप यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सेल्स के लिए और एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं परचेज के लिए तो एडिशनल सेस जीएसटी आउटपुट ये मैंने सेल्स के लिए अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस और टैक्स टाइप में यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे एडिशनल सेश जीएसटी तो ऑप्शन मल्टीपल आपके सामने शो हो रहे हैं इनको आप सिलेक्ट कर लेंगे सेम एज इट इज आपको परचेज के लिए भी यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है इनपुट नाम से और अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टैक्स टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे एडिशनल सेश जीएसटी इसके बाद आपको यहां पर परसेंटेज सिलेक्ट करना है परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद टोटल एमआरपी ऑफ आइटम यहां पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे टोटल एमआरपी ऑफ आइटम क्योंकि सेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एमआरपी पे ऊपर तो आपको यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा टोटल एमआरपी ऑफ आइटम और ओवर एंड अबव इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे बिल बिल्सेंड्री जब आप क्रिएट करेंगे एडिशनल सेस के लिए और लास्ट में एक ऑप्शन है स्किप बिल बिलसेंड्री बेसिस इन प्रिंटिंग इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है अगर आप परसेंटेज जो आपका रेट है उसको प्रिंट नहीं करना चाहते सेल इन पर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है सेल टाइप अगर आपकी सिंगल रेट के टैक्स आइटम है तो देखिए ये मेरी सेल टाइप है यहाँ पर आप एडिशनल सेस का रेट डिफाइन कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर आई जी एस सी ट्वेंटी एट परसेंट जो मेरी सेल टाइप है एडिशनल रेट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया वो थर्टी टू परसेंट सेस के लिए ताकि मेरी जो बिलसेंडरी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे वैल्यू सेस की इसके अलावा अगर आपके मल्टी टैक्स रेट के आइटम्स हैं तो आपको बिलसेंडरी सेल टाइप सिलेक्ट करनी है मल्टी रेट की चाहे सेंट्रल हो चाहे लोकल हो यहां पर आपको अप्लाई कंसोल्टेड टैक्स अमाउंट फॉर ऑल टैक्स इस ऑप्शन को डिजेबल रखना है अगर आप ई वे बिल क्रिएट करते हैं तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो अप्लाई कंसोल्टेड टैक्स अमाउंट फॉर ऑल टैक्स रेट इस ऑप्शन को आपको डिजेबल रखना है ये सारी स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं कन्फिग्रेशन के लिए इसके बाद हम अपनी ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले मैं एक सेल वाउचर क्रिएट करता हूँ देखिए इस ट्रांजेक्शन में सबसे पहले हम एक सिंगल सेल्स सिंगल टैक्स रेट के आइटम्स पिक करेंगे यहाँ पर मैं सेल टाइप सिलेक्ट करता हूँ ट्वेंटी एट परसेंट और मेरी पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ बिजी इन्फोटेक आइटम है मेरा विमल पान मसाला जो मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी स्पेसिफाई की है रेट मेरा ऑटोमेटिकली पिक आ चुका है आइटम मास्टर से मैं आपको दिखा देता हूं तो देखिए मैंने यहां पर जो पैकेजिंग यूनिट का प्राइस 8013 डिफाइन किया हुआ था प्राइस मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो चुका है और जैसे ही मैं बिल एंट्री पर मेरा कर्सर मूव होता है मैं अप्लाई टैक्स या F4 शॉर्टकट की प्रेस करता हूं तो देखिए IGST और एडिशनल सेशन एमआरपी वैल्यू मेरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है तो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कॉन्फ़िगरेशन आपको करेक्टली करनी है इसके बाद जब भी आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे की प्रेस करेंगे बिल में जब आपका कर्सर होगा तो आपकी वैल्यूज चाहे जीएसटी की हो या सेशन आर की हो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी और आपका वाउचर क्रिएट हो जाएगा सिंगल टैक्स रेट के आइटम में आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं और देखिए अगर मैं इसका ई वे बिल और ई e इन भी जनरेट आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर मैं ई वे बिल ई इन दोनों तो को इनेबल करता हूं और इसका ई बिल जनरेट करता हूं एरर चेक करेंगे कोई एरर नहीं है और प्रोसीड कर देंगे आगे तो मेरा ई बिल जनरेट हो जाएगा आप देखिए मेरा ई वे बिल जो है वो प्रिंट हो चुका है और जो मेरे एडिशनल सेस की वैल्यू है आप देख सकते हैं वो एडवॉल अमाउंट नॉन एडवाल अमाउंट में शो हो रही है सेम एज इट इज ई इन भी जनरेट कर लेते हैं कोई एरर नहीं है और इसको मैं प्रोसीड कर देता हूं आगे इन वॉइस जनरेट करने के लिए अब देखिए मेरा ई e इनवॉइस भी जनरेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडिशनल सेस की वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो रही है सेस नॉन एडवाल में आप देख सकते हैं एट डबल फोर एट तो ई e इनवॉइस और ई वे बिल दोनों मेरे जनरेट हो चुके हैं सेस की अमाउंट भी उसमें प्रिंट हो रही है जीएसटी की अमाउंट भी उसमें प्रिंट हो रही है मतलब मेरी सारी कंफिगेशन ठीक है सेल इनवॉइस का प्रिंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखिए सेल्स इनवॉइस का प्रिंट भी जनरेट हो चुका है और हमने जो स्किप बिल सेंडरी बेसिस ऑप्शन को डिसेबल किया था इनेबल uh, किया था सॉरी तो आप देख सकते हैं कि एडिशनल सेस ऑन पी का आगे कोई परसेंटेज शो नहीं हो रहा प्रिंटिंग में तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप स्किप बिल्सनड्री बेसिस का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन और क्रिएट करते हैं और मैं इसको कंबाइंड में जनरेट करता हूं अगर मैं ई बी बिल और को एक ही प्रिंट में जनरेट करना चाहता हूँ कंबाइंड जनरेट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो मेरा आइटम है विमल पान मसाला क्वांटिटी मैंने स्पेसिफाई कर दिया रेट मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो चुका है यहाँ पर मैंने एफ फोर की जैसे ही प्रेस की मेरा जीएसटी और मेरा एडिशनल सेशन एम आर पी ऑटोमेटिकली आ चुका है वैल्यू भी प्रॉपरली कैलकुलेट हो चुकी है सेव करते हैं और यहाँ पर मैं कंबाइंड जनरेट कर लेता हूं तो ई इनवॉइस रिक्वायर्ड और ई वे बिल रिक्वायर्ड दोनों ऑप्शंस को मैंने इनेबल कर दिया है और जनरेट ई वे बिल विथ इन ई इनवॉइस इस ऑप्शन को मैं इनेबल कर देता हूं ताकि मैं इसको कंबाइंडली जनरेट कर सकूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा ई e इनवॉइस और ई वे बिल दोनों कंबाइंडली जनरेट हो चुके हैं प्रिंटिंग आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर यहां पर नॉन में में अमाउंट अमाउंट शो शो हो रही है, सेस में शो हो रही रही है है वैल्यू आप देख सकते हैं और मेरा ई इन वॉइस और वी बिल कंबाइंडली जनरेट हो चुका है अब ये था सिंगल टैक्स रेट के आइटम के साथ मैंने जनरेट किया था ईवी बिल और इन वॉइस अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं अगर आ, आ, आप ट्रांजेक्शन में मल्टीपल टैक्स रेट के आइटम पिक करते हैं तो ये बिजी किस तरीके से जनरेट करेगा तो सबसे पहले अगर आपके आइटम जो है वो मल्टी टैक्स रेट के हैं तो इसके लिए आपको मल्टी रेट की सेल टाइप को सिलेक्ट करना है चाहे सेंट्रल हो या लोकल हो पार्टी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आइटम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं तो कमला पसंद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो टैक्स रेट है टैक्स कैटेगरी आप देख सकते हैं ट्वेल्व परसेंट प्लस फिफ्टी सिक्स परसेंट एडिशनल सेस तो यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो ट्वेल्व परसेंट के अकॉर्डिंग होगी हो जो मेरा दूसरा आइटम है इस आइटम पे मेरा टैक्स एप्लीकेबल होता है ट्वेंटी एट परसेंट प्लस थर्टी टू परसेंट सेस तो दोनों जो मेरे आइटम है वो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट के हैं आप देख सकते हैं और एफ की मैं प्रेस करता हूं तो आप देखिए जो मेरा 12 परसेंट और 28 परसेंट का आई कैलकुलेट हो चुका है इसके अलावा मेरा एडिशनल सेशन एम आर पी और 32 परसेंट दोनों अलग अलग यहाँ पर कैलकुलेट हो चुके हैं बिल सेंट्री अप्लाई हो चुकी हैं सेव कर देते हैं ट्रांजेक्शन को और इसका ई e बिल और इन e भी मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर ई e बिल और ई e इन भी जनरेट हो चुका है यहां पर देखिए ईवी बिल जनरेट हो चुका है और जो सेस की वैल्यू है वो भी मेरी सेस नॉन एडवाल अमाउंट में शो हो रही है इसके अलावा इन वो की प्रिंटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि इन वॉइस भी जनरेट हो चुका है और जो मेरी सेस ऑन एम आर पी की वैल्यू है वो भी मेरी नॉन एडवाल में शो हो रही है तो इस तरीके से आप अपनी ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं चाहे वो सिंगल टैक्स रेट की हो या मल्टी टैक्स रेट की हो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करें तो आपको वाउचर वाइज सेल टाइप को सिलेक्ट करना है आइटम वाइज सेल टाइप आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो ये स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं चाहे आप इन वॉइस जनरेट करें ईवी बिल जनरेट करें और ट्रांजेक्शन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो उससे पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं सबसे पहले आपको एडिशनल सेस इनेबल करना है जीएसटी वैट कन्फिग्रेशन में जाके सेकंड स्टेप में आपको टैक्स कैटेगरी क्रिएट करनी है थर्ड स्टेप में आपको सेल टाइप परचेज टाइप की कन्फिग्रेशन करनी है फोर्थ स्टेप में आपको आइटम मास्टर क्रिएट करने है जिसमें आपको टैक्स कैटेगरी करेक्टली डिफाइन करनी है और मेन और पैकेजिंग यूनिट डिफाइन करनी है इसके बाद अपनी ट्रांजेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं बिल बिलसेंडरी आपको क्रिएट करनी है एक एडिशनल सेशन की और आपकी कैलकुलेशन प्रॉपरली हो जाएगी ट्रांजेक्शन में अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं आइए वो भी देख लेते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है कैन वी मेंटेन द सेस ऑन एम आर पी आइटम वाइज सेल परचेज टाइप तो आंसर है इसका नॉट पॉसिबल वी कैन सिलेक्ट ओनली टैक्सेबल वाउचर वाइज सेल परचेज टाइप इन वाउचर तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइटम वाइज सेल परचेस टाइप के साथ आप सेस ऑन एम आर पी के कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं अगर आपको सेस ऑन एम आर पी मेंटेन करना है ट्रांजेक्शन के अंदर तो आप टेक्सीबल वाउचर वाइज सेल परचेज टाइप ही सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है कैन वी मेंटेन सेस ऑन एम आर पी थ्रू सेस ऑप्शन ऑफ वेट एंड जीएसटी तो आंसर है नॉट पॉसिबल यू हैव टू मेंटेन कैलकुलेशन ऑफ सेस ऑन एम आर पी विथ एडिशनल सेस ऑप्शन ऑफ जीएसटी एंड वेट तो सेस ऑन एमआरपी का जो रेट है वो आपको एडिशनल सेस के अंदर ही डिफाइन करना है और एडिशनल सेस ऑप्शन को ही इनेबल करके आप इसको मेंटेन कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन सेस ऑन एमआरपी इन केस ऑफ टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग तो देखिए इसका आंसर है कि वी कैन मेंटेन ओनली सेस ऑन एम इन टैक्स एक्सक्लूसिव केस मतलब कि आपको जो प्राइस है वो टैक्स एक्सक्लूसिव ही लेना होगा तभी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं टैक्स इंक्लूसिव के केस में आप मेंटेन नहीं कर सकते तो एक ये प्रैक्टिकल डेमो था जो मैंने आपको समझाया था कुछ क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको बताया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं आप बिजी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है और ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है So, thank you very much. Over to Kamal sir. Uh, thanks, Pawan. And uh, he explained all the things very beautifully. And in English, I will just summarize it very quickly. Uh, Pawan, you just follow the uh, busy, whatever I am saying, you just open that master so i will quickly explain in uh, english first of all we have to go to the feature and option and uh, there we will enable this uh, option of the additional says you can see that uh, this additional says is, uh, is enabled and this option will only come when the says is enabled if we disable the says option then this uh, additional says won't be appeared so this is the number one configuration you have to do then uh, while you are doing the billing, uh, you uh, select the sale type. The sale type as mentioned by the Pawan, you cannot use the uh, item-wise or the inclusive. Either you will uh, use the single tax or the multi-rate. Uh, this is the multi-rate tax. And one option you have to uh, keep in mind is the apply consolidated tax amount on all tax rate. You have to keep it no. this option means uh, if there are two or three or multiple tax item then a single bill sundry will be applied with the consolidated amount but if you are generating e-way bill or e-invoice from busy then you have to keep it no and uh, while you keep it no multiple bill sundry of IGST and additional tax will be applied so this is the second configuration number three will be come to the tax category master And uh, tax category master, uh, you have to define with the various combination. Uh, number one combination is the 28% GST plus 32% uh, additional cess. So after defining the IGST, CGST, SGST rate, you have to also define the uh, your additional cess rate. Uh, similarly, there is another bill summary of 12% plus 56%, and uh, here similarly you will define the respective rate of the taxes of the gst and the additional cess then we will go to the item master and in the item master uh, few things we have to consider number one is the unit and the uh, packaging unit and uh, if there is a single unit you just maintain the one unit and you, if you have uh, two units you maintain with the help of the packaging unit and uh, this uh, uh, conversion factor you will define for the packaging unit. And you have to remember that uh, this MRP concept will work on this uh, main unit. The smaller unit will be the main unit, and the bigger unit will be the packaging unit. So, MRP will be per piece, and you will define the tax category rate also in the item master. So, this is the configuration you have to do. And now, uh, while defining this configuration, you have three either you can build in the pieces or in the numbers also. Another uh, thing you have to see the bill sundry master of the additional cess, And uh, you can uh, see in this master that uh, the bill sundry type is additive and the nature should be additional cess on GST. And uh, on the right side, after defining the percentage, you will choose the total MRP of uh, items over and above. So, whatever the MRP you have defined in the item master, that will be uh, multiplied with the uh, quantity, and then this uh, uh, percentage defined in the tax category will be multiplied to take out the value of this additional session MRP. And uh, Pawan, just opened that bill where we have used this uh, multiple option, uh, multiple tax rate of item. Here you will see in the bill sundry section, uh, there are two items with different tax rate, 12% uh, and 28%. So IGST was applied two times. Similarly, additional session MRP is applied uh, two times. So this is the configuration that you have to do, and uh, you can skip this uh, bill sundry basis also in printing that Pawan had already shown you. And uh, with this implementation, you will be able to uh, serve your customer who are dealing in this pan masala or the tobacco industry. If anybody is having any question, they can uh, type in the Q&A section. So we'll answer that question now. We use the Q&A section, not the chat section. Only use only the Q&A section for asking the question and. Uh, if you have any doubt, you can contact our customer support also. Their number is 8282828282 uh, and email is support at There also you can contact. For right now, if you have anything in your mind, you can just type here. We will answer that question.